भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के भवदश सर्वोच्च निर्देशक करमवीर विरोत्तम लल्ला बाबू द्रविड़ काफी तेज बारिश होने के बावजूद भी रामनगर सीता बनी से चलकर कलश यात्रा अमृत जल लेकर मुरादाबाद पहुंचे। साथ ही करमवीर विरोत्तम लल्ला बाबू द्रविड़ श्री 108 महामंडलेश्वर मिट्टू राम महाराज जी श्री भोपाल मध्य प्रदेश आचार्य श्री कृष्णपाल दवरे श्री मंदिरपुर मध्य प्रदेश मठाधीश्वर संत महाराज ब्रह्मशरण महाराज जी सीतापुर उत्तर प्रदेश विक्की बादशाह तिलक राज इन सभी लोगों का संगठन द्वारा इंपीरियल चौराहे पर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही कलश यात्रा इंपीरियल चौराहे से प्रारंभ होकर टाउन हॉल नगर निगम कार्यालय पर भगवान श्री वाल्मीकि प्रकट पर चल रहे कार्यक्रम स्थल पर समापन हुआ। जी, क्या कार्यक्रम किया गया आज? आज हम सीता बनी वाल्मीकि पावन पवन स्थान से कलश अमृत कलश लेकर आए हैं, जहां हमारे साथ में ब्रह्मशरण महाराज मठधी सीतापुर और मिट्टूलाल महाराज भोपाल और बिक्की बादशाह और साथ में तिलक राज और दो अन्य लोग हमारे साथ गए थे, जिन्होंने जल कलर लेकर आए। जल लेकर आए हैं, यहाँ से ज़्यादा वहाँ बारिश से इतनी नदियों में उतरना पड़ा, बड़ी मुश्किल से वहाँ मंदिर तक हम पहुँच पाए हैं। और ये हमारे भगवान वाल्मीकि आश्रम था कि वो अंदर जाकर ऐसी उसमें है कि हाथी शेर और जो चीते हिरण सब चीज़ वहाँ होती है। मौसम भी ख़राब है, बारिश पड़ी थी, ये समझ लीजिए कि कोई भी हम पे असर नहीं हुआ। वाल्मीकि जी की छत साया हमारे ऊपर रही, कोई असर नहीं हुआ। हमारे महाराज रोज लोग भी इतने पानियों में घुसकर मंदिर तक पहुँचे हैं, क्योंकि वो जिम पार्क कार्बेट पार्क में है जहाँ वाल्मीकि आश्रम है, जहाँ से हम चला है। क्या अपील करेंगे इसमें? इस मौके पर हम जो जल लाए हैं, हम हर मंदिर में जल वितरण करेंगे और वहाँ प्रतिमा मिलाकर कल पूजा पाठ करेंगे। शोभा यात्रा भी है, उस पर भी हम लोग शामिल होंगे और आज भी जैसे आपके सामने वैसे शामिल। जनपद के सभी क्षेत्रवासियों को राज्य मंत्री राजा मंकेश्वर शरण सिंह के सानिध्य में मोहम्मद अशरफ प्रधान प्रतिनिधि भैलाई कला तिलोई जनपद अमेठी की तरफ से नवरात्रि दशहरा वारा रवि अवल व दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई।